हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, अगर आपने मेरा प्रीवियस व्लॉग देखा रहेगा तो आपको पता ही रहेगा कि अभी हम लोग नागपुर आए हुए हैं एंड इस बार फॉर द फर्स्ट टाइम हम लोग समृद्धि एक्सप्रेसवे जो नया बना हुआ है उससे आए थे। सो आई जस्ट थॉट ऑफ शोइंग यू ऑल कि ये जो हमारा एक्सपीरियंस था वाया समृद्धि एक्सप्रेसवे कैसा था, व्यू कैसा था एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड व्हाइल ट्रैवलिंग थ्रू दिस वे। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ने समृद्धि एक्सप्रेस वे पर ट्रैवल किया था फ्रॉम पुणे टू नागपुर। सो पुणे से नागपुर मतलब जो नासिक वाला रास्ता है वहाँ से ये समृद्धि एक्सप्रेस वे स्टार्ट होता है एंड दिस इज़ ऑलमोस्ट 4.5 to 5 hours लॉन्ग रूट। तो ये जो 4.5-5 घंटे का रास्ता है, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड इज इसका जो टोल चार्जेस होता है दैट इज़ 1200 rupees। तो अगर आप जब एंटर करोगे फ्रॉम दिस स्टार्ट तो आपके जो आपका फास्टैग होता है उसमें 1200 rupees होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज यू विल नॉट बी अलाउड टू एंटर ओनली इन दैट हाईवे। वहाँ पे आपके पैसे डिडक्ट नहीं होंगे, पैसे एग्जिट पे डिडक्ट होंगे, बट या दे विल ऑलवेज चेक एट द एंट्रेंस इफ़ योर फास्टैग इज़ वैलिड। सो या अगर आप वहाँ पे जा रहे हो मेक श्योर दैट यू रीफिल इट। उसके बाद गाइज, ये जो 4.5-5 घंटे का रास्ता है इसके बीच में 2-3 पेट्रोल पम्प आपको दिख जाएंगे, सो दैट अगर आपका फ्यूल मतलब इवन इफ अगर आप पूरा ज़्यादा फ्यूल भरा के निकल रहे हो तो देर आर चांसेस दैट यू मे नीड पेट्रोल पम्प्स टू रीफिल द टैंक। तो आपको वो तो ये रास्ते में मिल जाएंगे। आई गेस ऑलमोस्ट 50 to 60 kilometers के डिस्टेंस पे यहाँ पे पेट्रोल पम्प मिल जाएंगे। पेट्रोल पम्प पे जो है आपको फूड आइटम्स जो है यानी कि जो पैकेज फूड आइटम्स है चिप्स वगैरह ये हल्के फुल्के चीज़ें मिलेंगे सारे पेट्रोल पंप पे नहीं, बट या कुछ कुछ पेट्रोल पंप्स पे आपको मिल जाएंगे, बट जो प्रॉपर खाना होता है वो आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आप घर से निकल रहे हो, चाहे आप नागपुर से निकल रहे हो या फिर पुणे और मुंबई से भी निकल रहे हो, तो मेक श्योर दैट यू पैक एंड कैरी योर ओन फूड, क्योंकि फिर ये 4-5 घंटे में तो आप खाना भूल ही जाओ कि आपको कहीं पे भी अच्छा खाना मिलेगा। सो या व्हेनेवर यू आर लीविंग मेक श्योर दैट यू कैरी योर ओन डब्बा सो दैट यू कैन वेट एंड यहीं पे साइड में कहीं पे रोक के आप खा सकते हो, क्योंकि ऑन द वे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। उसके अलावा जो व्यू था गाइज, आप अभी देख ही रहे होंगे ये वीडियोज़ में, इट वॉज सो ब्यूटिफुल एंड रियली नाइस एक्सपीरियंस। आपको जो है माउंटेन से लेके ग्रीनरी से लेके अलग अलग जो ग्राफिटीज बनाई हुई थी वो बहुत ही सुंदर व्यू था। यहाँ पे वी डिड नॉट वेट बैक या फिर हम लोग कहीं पे रुक के हम लोग ने फोटोज़ वगैरह क्लिक नहीं किए, बट या व्यू वॉज वेरी ब्यूटिफुल। और अगर आप नागपुर अगर पुणे या मुंबई से जा रहे हो तो जनरल तो 14 to 15 hours का रास्ता होता है, बट डेफिनेटली थ्रू दिस समृद्धि एक्सप्रेस वे आपका बहुत टाइम बच जाएगा। हम लोग जो है पुणे से निकले थे विमान नगर से एट अराउंड 8 o'clock एंड फिर आई गेस डेढ़ घंटे के पिट स्टॉप के बाद भी हम लोग मैक्सिमम 6:30 बजे तक पहुंच गए थे वहाँ पे, मतलब 10 hours हमको लगा एंड इफ़ वी जस्ट रिमूव द पिट स्टॉप टाइम तो इट्स लाइक 8.5 to 9 hours ड्राइव फ्रॉम पुणे टू नागपुर थ्रू दिस एक्सप्रेस वे। सो या इट डेफिनेटली सेव्स अ लॉट ऑफ योर टाइम। सो डेफिनेटली अगर आप 4 to 5 लोग ट्रैवल कर रहे हो तो ड्राइव करके जाना वुड बी अ वेरी गुड ऑप्शन फ्रॉम हियर। सो गाइज, इफ़ यू आर कैलकुलेटिंग योर ट्रैवल टाइम बेसिस द डिस्टेंस जहाँ पे भी आपको जाना है, सो वन मोर थिंग आई वॉन्टेड टू लेट यू ऑल नो कि ये जो एक्सप्रेस वे है वहाँ पे स्पीड लिमिट है दैट इज़ 120 kilometers per hour इज़ द स्पीड लिमिट दैट इज़ देयर। अभी फ़िलहाल तो ज़्यादा व्हीकल ट्रैफिक का तो कोई सवाल ही नहीं आता, बट व्हीकल्स भी बहुत ज़्यादा कम थे, मे बी इट्स अ वेरी न्यू हाईवे इसकी वजह से। इन केस इफ़ यू आर स्टिल प्लानिंग टू इंक्रीज द स्पीड, आई हैव नो आइडिया कि वहाँ पे स्पीड मीटर्स है कि नहीं, बट फॉर योर ओन सेफ्टी या 120 इज़ द स्पीड लिमिट ऑन दिस हाईवे। सो गाइज, आई थिंक दैट इज़ द इंफॉर्मेशन दैट आई वॉन्टेड टू शेयर अबाउट द समृद्धि एक्सप्रेस वे। बाकी आप व्यू एन्जॉय करना, दिस इज़ नॉट गोना बी अ वेरी लॉन्ग वीडियो, इट इज़ जस्ट 6 to 7 minutes short video, so I'm just gonna
let this particular video play till the end so that you can just see the view from here. I've heard ki raat mein ye aur bhi zyada sundar lagta hai because my husband has traveled from this rasta in the night as well. But yeah, Dev, I will only be able to show you the daytime view from here. I hope you enjoy this. That is it about this video, friends. I hope you find this helpful and please share it with the people who are planning to travel from Samruddhi Expressway near in future. And in case if you haven't subscribed to my channel, please subscribe. Thank you. Bye.